नमस्कार साथियों, मैं हूं सतीश मेहरा। हरियाणा में एक कहावत बहुत ही मशहूर है कि मौका चुक्या गवैया गावे आल पताल। इसका मतलब यह है कि अवसर खोने के बाद इधर उधर की बातें करना। आज यही बातें कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की बात हो या कांग्रेस पार्टी के जो राज्य के नेता हैं उनकी बात हो। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा के चुनाव में उनकी दहलीज पर आई हुई जीत को हार में बदल लिया है, आज हर कोई, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी न केवल चर्चा कर रहे हैं बल्कि मंथन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो यहां तक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कांग्रेस पार्टी के जो राज्य के आला नेता थे उनके कारण हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मान बैठे हैं कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की हार है जो कांग्रेस के नेताओं द्वारा करवाई गई है। कांग्रेस हाईकमान के नेता अब राज्य के नेताओं की क्लास लेने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो अब यहां तक कहा है कि कांग्रेस के नेताओं के निज हितों के कारण कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव आ रही है। क्या इस बात की जानकारी कांग्रेस आलाकमान को पहले नहीं थी? राज्यसभा के पहले दो चुनाव में बहुत कुछ हो चुका था लेकिन फिर भी कांग्रेस हाईकमान नहीं समझी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पहले तो विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकारों ने समीक्षा करनी शुरू कर दी है। कई राजनीतिक विश्लेषकों व पत्रकारों की रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कांग्रेस पार्टी के हार के मुख्य 8 से 10 कारण बताए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में सीएम पद की खींचतान, पार्टी नेताओं का अति आत्मविश्वास, इंडिया गुट के किसी सहयोगी के साथ गठबंधन न करना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने जाट फैक्टर को आक्रामक तरीके से भुनाना, कांग्रेस का नॉन स्ट्रेटजिक रवैया, कांग्रेस नेताओं द्वारा बागियों को न मनाया जाना, इन सब के बावजूद एक और मुख्य कारण यह रहा है, वह ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर लगातार ईडी का दबाव बढ़ाना। इसी दबाव के चलते बहुत बड़े नेता प्रभावी रूप से प्रचार करते दिखाई नहीं दिए और कुछ विधानसभा क्षेत्र में ही चुनाव प्रचार किया। उनको यह डर सताने लगा कि उनके सत्ता में आते ही ईडी उनके घर आएगी और वो जेल में होंगे। इस डर से उन्होंने सत्ता से बाहर रहना ही बेहतर समझा। अब कांग्रेस हाईकमान द्वारा चुनाव हारने के कारणों का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात की जा रही है। इस कमेटी में कौन कौन कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे यह भी एक देखने वाली बात होगी। जो हार के कारण सामने आएंगे क्या उन पर कांग्रेस पार्टी काम करने की हिम्मत कर पाएगी? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस पार्टी की ओवरहॉलिंग होना तय है। इस ओवरहॉलिंग में कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट उदयवान चौधरी जो स्वयं भी चुनाव हार चुके हैं और सीएलपी लीडर का बदले जाना भी निश्चित है। कांग्रेस पार्टी की इस ओवरहॉलिंग में हरियाणा की कमान किन किन नेताओं को सौंपी जाएगी यह एक विचारणीय विषय है। कांग्रेस पार्टी के नेता यदि जातीय समीकरण बैठाकर इस ओवरहॉलिंग में नेताओं को फिट करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को वेंटिलेटर से आईसीयू में शिफ्ट करने की स्थिति हो सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी यह करने में सफल होती है तो उसे नए सिरे से हरियाणा में प्रयास करने होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कुछ बातचीत की गई है और पता चला कि विधानसभा में सीएलपी लीडर की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी गीता भुक्कल को सौंप सकती है। गीता भुक्कल दलित वर्ग से आती हैं और कई बार विधायक व मंत्री रह चुकी हैं। वैसे भी गीता भुक्कल को तेज तरार नेत्री के रूप में जाना जाता है। यदि दलित वर्ग से आने वाली इस नेत्री को सीएलपी की जिम्मेदारी दी जाती है तो कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में कांग्रेस पार्टी को किसी पंजाबी समुदाय या जाट लीडर को जिम्मेवारी दी जा सकती है।
पंजाबी समुदाय में अशोक अरोड़ा जो थानेसर से विधायक हैं उनका नाम और जाट समुदाय से रणदीप सुरजेवाला का नाम सामने आ रहा है। यह देखना है कि कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस प्रेसिडेंट और विधानसभा में सीएलपी लीडर गीता भुक्कल को बनाती है तो कांग्रेस पार्टी के इस समीकरण से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सलजा को भी मनाया जा सकता है। अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेता ईवीएम वीवीपी पैट मशीनों की बैटरी कम या ज्यादा होना इस प्रकार के कारण बता रहे हैं। असली कारण जो हमने अपने इस पोस्ट में बताए हैं उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी नेताओं द्वारा अगर इन कारणों से ध्यान हटाया जाता है तो निश्चित रूप से यही हरियाणवी कहावत चरितार्थ होगी कि मौका चुक्या गवैया गावे आल पताल। आप सभी का धन्यवाद।